हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो मैं लेके आई हूँ वो आपके लिए, आप में से कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि पीजीटी जो स्क्रीनिंग का पेपर हुआ है मेवात का 2016 के अंदर, उसका एनालिसिस कर दीजिए मैम। तो इसलिए मैं उसी पेपर को लेके आई हूँ गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो रेस्ट ऑफ हरियाणा का जो पेपर हुआ था पीजीटी स्क्रीनिंग, इंग्लिश स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था, मैं ऑलरेडी उसका एनालिसिस कर चुकी हूँ। अब मैं जो है मेवात कैडर का जो हुआ था, मैं उसका एनालिसिस कर रही हूँ गाइस। और ये भी जो है 2016 के अंदर ही हुआ था, तो ये उसका एनालिसिस है गाइस। तो इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि दोनों पेपर को देखिए आप, रेस्ट ऑफ हरियाणा का भी, और जो है ये जो आज मैं इसका डिस्कशन जो एनालिसिस करने जा रही हूँ उसको भी देखिए। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और जो है क्या क्या आपको चीजें पता होनी चाहिए, लिटरेचर के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए, कितनी डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। तो उससे आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी और आप अपने प्रिपरेशन को जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे गाइस। क्योंकि ये पेपर गाइस 2016 में हुआ है और अब होगा ये, यानी ये 5 साल, पिछली वैकेंसी भी 5 साल में पूरी हुई थी और अब ये होगा। तो गाइस ऐसा बाय चांस या बड़े लक के साथ होता है कि आपके पास स्टेट भी हो और वैकेंसी निकली हुई है और आप उसमें जो है खड़े हो सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी गाइस, ये सभी के लिए जो है गोल्डन चांस है, इसको मिस मत कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, अपना डायरेक्शन बनाइए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन यू हैव टू जस्ट स्टडी स्टडी एंड स्टडी, यही है। तो आज अब मैं इसको एनालिसिस करने जा रही हूं, तो लेट अस स्टार्ट। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैं गाइस सिर्फ लिटरेचर की, यहाँ पे जो हमारे 30 क्वेश्चन आज आए थे मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, तो उसी को एनालिसिस करूंगी मैं। अब ये कह रहा है, हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। फादर ऑफ पोएट्री जो है इंग्लिश लिटरेचर में किसको बोला जाता है, जैसे जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, चौसर और बियोल्फ। अगर इनकी बात करें गाइस, तो ये देखो चौसर और जो है गोवर है, विलियम लैंगलैंड है, ये सभी तो राइटर हैं गाइस, अगर आपको नॉलेज है। तो बियोल्फ क्या है, बियोल्फ तो एक पोइम है, और वो किस टाइम पे लिखी गई है, एंग्लो सेक्शन के टाइम पे लिखी गई है, एंग्लो सेक्शन के टाइम पे पोइम लिखी हुई। तो ये तो वैसे ही ऑप्शन में से कट जाता है अगर आपको नॉलेज है। तो अगर हम इनकी बात करें जॉन गोवर की, विलियम लैंगलैंड की, तो चौसर का नाम बहुत बड़ा है गाइस, ये इसके कंटेम्परेरी थे गोवर, जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड। तो इसका जो सबसे, अगर हम ये कहें कि चौसर के आने के बाद, पहले जो है चौसर किससे, पहले जो है मिडल इंग्लिश चलती थी, जिसको हम जो है एंग्लो सेक्शन इंग्लिश या जो ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं, तो वो होती थी। चौसर जब आए तो उन्होंने जो है इंग्लिश का, इंग्लिश को एक किस्म से अपलिफ्ट किया है उसको, इंग्लिश जो है अपने पीक पे थी चौसर के टाइम पे। तो जो है चौसर को जो है पोएट्री, फादर ऑफ पोएट्री बोला जाता है, फादर ऑफ रेनेसा बोला जाता है। तो काफी चीजें हैं, यानी बहुत बड़े राइटर थे ये चौसर, और ये जो है उनके कंपैरिजन में जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड, ये जो है उतने बड़े लेवल के नहीं थे। तो ये जो है इसका आंसर है, चौसर है इसका आंसर गाइज। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु स्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लिश, तो रोमन कैथोलिज्म को किसने जो है इंग्लिश के अंदर स्टोर किया, रिस्टोर्ड किया, यानी रोमन कैथोलिज्म जो है इंग्लिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो है किसने किया। तो अगर हम ये कहें, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो कैथोलिज्म में बिलीव नहीं करती थी, हेनरी 8th भी जो इस तरह से नहीं थे। तो अगर हम बात करें क्वीन मैरी गाइस, क्वीन मैरी जो है ये इन्होंने सभी ने जो है इंग्लैंड पे शासन किया है, तो क्वीन मैरी को जो है वो एक हार्डकोर कैथोलिस्ट थी वो, यानी पूरी तरह से जो है कैथोलिज्म को फॉलो करने वाली थी। और इसने जो है मतलब इसके टाइम पे जो कैथोलिज्म बिल्कुल पीक पे था और दूसरों को दबाने का काम किया है इसने, तो इसको जो है ब्लड मैरी भी बोला जाता है, ब्लड मैरी भी बोला जाता है। ब्लड मैरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके टाइम पे बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, कैथोलिज्म को जो के जो फॉलोवर थे वो जो है दूसरे लोगों को जो है, जैसे अगर हम चर्च की बात करें तो कैथोलिज्म होता है, एक तो कैथोलिक को मानने वाले थे जो यहाँ पे दिया ही हुआ है, कैथोलिक जो थे वो थे, और प्रोटेस्टेंट थे और जो है एंग्लिकन थे, एंग्लिकन, ये तीन तरह के जो है फॉलोवर थे। तो ये नहीं है सभी, तो इसका जो आंसर है क्वीन मैरी ही रहेगा, और इसको ब्लड मैरी इसलिए बोला जाता था। ये कहते हैं कि हार्डकोर कैथोलिक थी ये, यानी कि कैथोलिज्म को ज्यादा फैलाने वाली थी। तो गाइस इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है। स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोइट
थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है शायद मिसप्रिंट है या कुछ है, पोइट्स पोइट बोला जाता है, यानी किसने जो है पोइट्स पोइट बोला, ये है एक्चुअल टर्म तो यहाँ पे कि स्पेंसर को जो है किसने जो है वो पोइट किसने बोला उसको, यानी पोइट्स पोइट किस पोइट्स पोइट किसने बोला है। तो गाइस जो स्पेंसर है वो एडमंड स्पेंसर है और ये भी एलिजाबेथन टाइम के जो है आपके पोइट हैं, और इन्होंने इनमें से अगर ये बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि अगर हम इनकी लाइफ के बारे में बहुत बात करें तो इनका लाइफ जो है ये एज ए शेफर्ड जो है काम करते हैं, अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, फिर ये गवर्नर भी बनते हैं, उसके बाद जो है ये दोबारा से जो है किसी, पूरा इंसिडेंट है गाइस तो इस पेपर के अंदर जो है इनके अगर मैं स्टोरी बताऊंगी तो पूरा पेपर ही रह जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में स्टेटमेंट दी है, तो चार्ल्स लैम ने इनके बारे में पॉजिटिव बोला है कि ये पोइट्स के पोइट थे, यानी कि कवियों के कवि थे ये, तो चार्ल्स लैम जो है इसका आंसर है गाइस। मैथ्यू अर्नोल्ड भी जो है ये भी क्रिटिक्स हैं, लेकिन चार्ल्स लैम ने पॉजिटिव बोला है इनके बारे में गाइस। रेनेसा वॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू लाइफ एंड आउटबर्स्ट ऑफ वर्चुअस फ्लोरिडिटी आफ्टर द क्रैमिंग रेस्टोरेशन एंड विदरिंग एस्टिज्म ऑफ द मिडल एजेस। तो ये टर्म जो है ये स्टेटमेंट किसने दी है गाइस, तो मेवात कैडर का जो पेपर हुआ है इसमें टर्म पे ज्यादा है, तो टिलियार्ड जो है ये क्रिटिक्स थे, उन्होंने ही बोला है इसके बारे में। तो जब आप ये डिटेल से चीजें पढ़ेंगे तो आपको ये सब जो है आंसर पता चल जाएंगे। आइडेंटिफाई द क्रिटिक्स हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन मिल्टन मिल्टन्स टेस्ट वॉज एंड स्वियर हिज वर्ड्स एज पॉलिश्ड हिज मेथड एंड लैंग्वेज as strict as those of the school of Dryden and Pope that grew up when he was old, illiterary past and present just met in him nor did he fail like all the greatest men to make a cast into future। तो ये भी स्टेटमेंट है, ये बताइए कि किस क्रिटिक्स ने ये जो है स्टेटमेंट दी है। तो ईएमडब्ल्यू टिलियार्ड है, जोर्ज स्टेनबर्गी है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है और स्टॉपर्ड ब्रुक है। तो ये जो स्टेटमेंट है गाइस स्टॉपर्ड ब्रुक की है, तो ये स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस जो मेवात कैडर में जो इस तरह के हैं। अब है दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट आई मे असर्ट एट Eternal, providential, and justify the ways of God to man. These lines have been extracted from the Milton's. ये कह रहा है कि ये जो lines हैं ये कौन सी किसकी बुक से दी गई हैं? तो एक तो ये पहले ही बताया इन्होंने मिल्टन की हैं, और अगर आप बात करें तो ये सारी ही मिल्टन की हैं। सैमसन एग्नेस्टिस ये जो है ये भी मिल्टन की है, लिस्डियास ये भी मिल्टन ने लिखी है, और पैराडाइज लोस्ट भी जो है, पैराडाइज रीगेंड भी जो है, ये सभी जो है मिल्टन की, जॉन मिल्टन की है गाइस। लिस्डियास जो है एक एलिजी है जो एडमंड जो किंग थे उनके ऊपर लिखी हुई है, एलिजी है ये, और सैमसन एग्नेस्टी के अंदर भी ये नहीं है। तो इसमें एक क्ल्यू मिलता है गाइस, क्ल्यू क्या है, द वेज ऑफ गॉड जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये जो है जो लाइन है यानी कि भगवान के तरीके को आदमी के लिए जस्टिफाई किया गया इसमें, तो पैराडाइज लोस्ट के अंदर है गाइस। पैराडाइज लोस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, और ये जो है पैराडाइज रीगेंड जो है इसका सिक्वल कह लीजिए, इसके बाद बुक आई थी, तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। इसमें सैटन का आपने कैरेक्टर सुना होगा, सैटन का कैरेक्टर होता है वो बहुत हाइप किया हुआ है, बहुत बड़े मतलब एक विलन को हीरो के रूप में दिखाया गया है इसमें, और ये पैराडाइज लोस्ट में है ऐसा। और फिर उसका डाउनफॉल भी दिखाते हैं, ह्यूमन बींग का जो डाउनफॉल है वो भी दिखाया गया, सैटन का डाउनफॉल है वो भी दिखाया गया। तो उनके एक फ्रेंड ने बोला कि आपने जो है इस तरह से दिखाया, क्योंकि सभी ने कहा कि सैटन की कैटेगरी के हैं जॉन मिल्टन, तो उनको ये बोला गया कि आप ऐसा कुछ दिखाइए जो पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए बोला। तो पैराडाइज लोस्ट के बाद उन्होंने पैराडाइज गेन लिखा, इसके जो हीरो थे वो जीसस क्राइस्ट थे। तो गाइस ये जो है भगवान जो करता है हमारे साथ उसको मतलब कि भगवान के तरीकों को जस्टिफाई किया है मैन के लिए, वो इस तरह का थीम है इसके अंदर कि भाई हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है। तो भगवान के जो रास्ते हैं, भगवान के जो तरीके हैं, वो ह्यूमन बींग के लिए जस्टिफाई करने का काम पैराडाइज लोस्ट में किया है। तो ये इसका आंसर है गाइज। तो पैराडाइज लोस्ट वैसे तो जो जैसे ही हम बुक को स्टार्ट करते हैं तो लाइन यहीं से स्टार्ट होती है, द वेज जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है ये।
Who called Milton God-gifted organ voice of England and the mighty mouthed inventor of harmonies? ये किसने बोला है इनके बारे में? तो ये कह रहा ड्राइडन ने, कार्ले ने, लॉर्ड टेनिसन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने. तो गाइस ये जो है बोला है, ये बोला है मैथ्यू अर्नोल्ड ने. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ एस टी ब्रॉन्टे वर्क्स इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस. देखो गाइज ये जो ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप ऊपर भी बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम यहाँ पे हमें जैसे अगर हमने सभी बुक्स पढ़ रखी है तभी हम बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या है. यानी आपको हर बुक की डीप में नॉलेज होनी चाहिए. सैमसन एग्नेस्टी में क्या थीम है, लिसीडियस किससे रिलेटेड है. तो ये हमें सभी बुक्स एक ही राइटर की दे दी है, फिर उसका थीम पूछा गया है. अब अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन में बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि कौन सी बुक पहले आई, कौन सी बाद में आई. तो जो रिलीजन मेडिसी, वल्गर एरर्स, कम ब्रोंटे, गार्डन ऑफ साइरस, ये जो है इनमें से कौन सी बुक पहले आई, कौन सी बाद में आई, तो इनको सिक्वेंस में लगाना होता है. कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यही बुक्स जो है जो जॉन मिल्टन की है इनको भी सिक्वेंस में लगा लेते हैं. तो एक राइटर की सभी बुक उठा के उनको सिक्वेंस में लगा लेते हैं गाइस. तो यानी कि आपको लगभग सभी बुक्स का पता होना चाहिए. तो इसका आंसर गाइस ये है, फर्स्ट है रिलीजन मेडिसिन पहले आई, फिर वल्गर एरर आई, उसके बाद ये आई. तो ये उसी स्टूडेंट को पता होता है जिन्होंने ये चीजें डीप में पढ़ रखी होती हैं. अगर हम बात करें आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ पोइट्स हु एंटीसिपेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्डर एंड मोर करेक्ट फ्रेजिंग एंड वर्सिफिकेशन, ये पूछा है गाइस. तो अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है किसने शुरुआत की थी, तो जैकोबियन जो है, जैकोबियन जो राइटर थे उन्होंने शुरुआत की थी इसकी. तो जैकोबियन राइटर इनमें कौन कौन से हैं, तो एक तो वोल्टर है, ये आई नहीं है गाइस, वोल्टर है, ये एल है, डेनहैम और कावले. तो ये जो है जिनको ये पता है कि जैकोबियन राइटर क्या है और फिर जो है इन कावले ने क्या लिखा है, कैसा इनका थीम था, तो उनके बारे में है. तो वही स्टूडेंट इनको सोल्व कर सकता था गाइस. तो एट्थ जो है आपका नाइन्थ क्वेश्चन है ये. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, अगर टेंथ की बात करते हैं, ड्राइडन इन द सेकंड पार्ट ऑफ एबिसलम एंड एकेटफल, ये बुक का नाम है, एबिसलम एंड एकेटफल जो है बुक का नाम है. स्टाइरिकली कैरिकेचर थॉमस सेडविल एंड एल्कम सेटल, एल्कनहा सेटल एज, ये है. तो ये जो है थॉमस, ये ड्राइडन ने जो है स्टायर किया हुआ है. स्टायर क्या होता है गाइस, व्यंग्य होता है, कटाक्ष होता है. किसके ऊपर? शेडवेल के ऊपर किया हुआ है. तो और ये दो राइटर लिए, शेडवेल और ये जो है एल्कहम जो है सेटल, ये लिया हुआ है, दो राइटर लिए हुए हैं ड्राइडन ने. तो ये बोल रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एबिसलम और एकेटफल में जो स्टेरिकल थीम लिया है वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया है. तो विग्स एंड टोरी रिस्पेक्टिवली, जेम्स एंड जॉन रिस्पेक्टिवली, ओरस एंड ओरम रिस्पेक्टिवली, ऑगंड एंड डेहव डिहोग रिस्पेक्टिवली, ये बोला है. तो गाइज इसका आंसर जो है विग एंड टोरी है, ये है यानी फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये विग और टोरी क्या थी, ये पोलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम में. तो पॉलिटिकल पार्टीज थी और इसके उनको जो है यहाँ पे जो यूज किया है उनके ऊपर कटाक्ष किया, क्योंकि इनके आपस में ये अपोजिट पार्टी थी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी थी और अपोजिट पार्टी थी. तो जो है एक जो है उससे बिलोंग करता था, एक उससे बिलोंग करता था. तो उनके ऊपर जो है स्टायर किया हुआ है एबिसलम और एकेटफल के अंदर. तो आपको जो है राइटर का और बुक का नाम होने के साथ साथ जो है हिस्ट्री है वो भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा राजा आता है. अगर आप इस सेकेंड क्वेश्चन की बात करो गाइस, तो आपको ये जो है ये पता भी होना चाहिए कि कौन सी जो है किस टाइम पे कौन क्वीन आई, कौन राजा आया, कौन आया और उनका जो है कैसा उनका नेचर था, तो ये भी पता होना चाहिए. और जैसे अगर ये बात करें तो यानी कि अगर आपको इंग्लिश हिस्ट्री के साथ साथ जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी साथ में नॉलेज होनी चाहिए गाइस. आप जो है वेंटिडस इज अ करेक्टर इन, तो वेंटिडस जो है करेक्टर है. आप देखो किसी बुक का अगर आपको करेक्टर दे दिया गया, अगर आपने वो बुक पढ़ रखी है तो आप उसके बारे में बताएंगे, अगर आपने बुक नहीं पढ़ रखी है तो गाइस आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते. तो थॉमस ऑटवे की जो बुक है द ऑर्फन है, और नेट नील्स की राइवल क्वींस है, ड्राइडन्स की ऑल फॉर लव है, निकोलस रोज की जो है टेम्बरलेन है. तो ये जो है ये बुक का जो कैरेक्टर है गाइस, ड्राइडन्स ऑल फॉर
ऑल फॉर लव में से लिया गया है। तो जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको करेक्टर नहीं पता चल सकते। तो आपको इसका मतलब क्या है कि आपको जो है क्या है, करेक्टर भी बुक्स भी डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप उसके बारे में जो है करेक्टर के बारे में बता सकते हो। आइडेंटिफाइड द क्रिटिक्स हु डिस्क्राइब्ड द रेस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिफिशियल। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत लिखा हुआ, ये आर्टिफिशियल वर्ड है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि वो राइटर बताइए जिसने रेस्टोरेशन कॉमेडी को क्या बताया, आर्टिफिशियल बताया है। तो ड्राइडन ने, चार्ल्स लैम ने, मैथ्यू अर्नर ने और डॉक्टर जॉनसन ने। तो किसने बताया है गाइस? तो ये बताया है चार्ल्स लैम ने बताया है ये। तो ये स्टेटमेंट है। तो जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को करते हैं, जैसे अगर हम चार्ल्स रेस्टोरेशन पीरियड करेंगे, तो रेस्टोरेशन पीरियड में क्या होता है कि आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हिस्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ते हो, तो बीच में स्टेटमेंट आती है किसने बोला है, किसके बारे में, इस पीरियड के बारे में क्या बोला। तो इस तरह के जो है, जो देखो गाइस, ये इस तरह के कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती कि इसमें ये क्वेश्चन है। जब आप थोरोली किसी चीज को पढ़ते हो, तभी आप उसमें से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि इनका भाई आंसर क्या होगा, तो कोई ऐसे नहीं बता सकता कि कोई इस बुक में ये सब मिलेगा। आपको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है थोरोली जो है डीप में स्टडी करनी पड़ती है, तभी इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं गाइस। तो आपको जो भी पढ़े हैं, आप उसको डिटेल में पढ़िए। अगर आप 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाइड द क्रिटिक्स हु कॉज्ड द 18th सेंचुरी एंड एज ऑफ प्रोज ऑफ रीजन। प्रोज ऑफ रीजन, प्रोज ऑफ रीजन ऑफ है, ये एंड नहीं है यहाँ पे। प्रोज ऑफ 18th सेंचुरी को प्रोज ऑफ रीजन किसने बताया है? तो जो जॉर्ज स्टेन्सबरी ने, जॉन रस्किन ने, W.H. हॉडसन ने और मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला गाइस। मैथ्यू अर्नोल्ड एक बहुत बड़े क्रिटिक्स थे। तो क्रिटिक्स क्या होता है, जो किसी चीज के अच्छे और नेगेटिव दोनों पहलुओं की बात करता है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिक्स। तो उन्होंने ही बोला, वही किसी चीज की अच्छी या गलत बात जो भी है वो बताएंगे। अब देखिए, दो क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड आंसर निकलता है। इसका मतलब ये है, एज ए क्रिटिक्स आपको मैथ्यू अर्नोल्ड भी पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म का टॉपिक है वो, यानी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो जो टर्म आती है, जो जो राइटर आते हैं, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा गाइस। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, दिस कोटेड लाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये कहां से ली गई है, ये लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये कहां से ली गई है? तो ड्राइडन से एबेसलम एकेटेफल, देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था एबेसलम एकेटेफल, ये तो जो है ये पॉलिटिकल स्टायर किया गया है कि सबसे, तो इसमें नहीं है ये। अब आप इस वर्ड को देखो, इस फ्रेज को देखिए, कैसा नजर आ रहा है आपको? ऐसा है जैसे कोई एडवाइस टाइप है कि जो थोड़ा अधूरा ज्ञान होता है वो डेंजरस थिंग होती है, ऐसे कुछ। तो ये जो है किसी तरह की कोटेशन है, जो थोड़ा मोरल टाइप या इस तरह का वर्ड है। तो पॉलिटिकल स्टाइल तो इसमें है, फर्स्ट में ग्रेस एबेसलम एंड एकेटोफल, तो यानी दो राइटर ने एक ही बुक लिखी है, तो ये है। आगे है पॉप्स द एसे ऑन मैन और द एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो ये जो है अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है दोनों, उनकी दोनों बुक उठा के दे दी है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, पोप्स द एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये इसके अंदर गाइस इस तरह की स्टेटमेंट यूज की गई है। अब अगर हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की गाइस, तो व्हाट इज द मीन्ट बाय द चर्च यार स्कूल ऑफ पोइट्स। चर्च यार स्कूल ऑफ पोइट्स का क्या मतलब है, यानी वो कौन से राइटर थे जिन्होंने चर्च यार स्कूल ऑफ पोइट्री लिखी है? द पोइट्री अबाउट द चर्चेस, उनको बोलते हैं जिन्होंने पोइट्री चर्च के ऊपर लिखी है। द रिलीजियस नोट इन पोइट्री, जिन्होंने रिलीजियस पोइट्री लिखी है। द पोइट्री करेक्टराइज्ड बाय द मेलनकली एंड सफरिंग, या नन ऑफ दिस। तो गाइस, चर्च यार वो है, वो राइटर होते हैं। चर्च यार्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो चर्च होता है या कब्रिस्तान होता है, जहाँ क्रिश्चियन लोग अपनी डेड बॉडीज को दफनाते हैं, उसको चर्च यार्ड बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि वो जो है जो चर्च यार्ड में जो है दफन हो गए हैं लोग, तो उनके बारे में, कोई वहां गरीब था, कोई जो है किसी दुख से है, कोई किसी दुख से गया है दुनिया छोड़ के। तो ये जो है, ये इसका आंसर जो है थर्ड है। द पोइट्री करेक्टराइज्ड बाय मेलनकली एंड सफरिंग, यानी कि दुखों से जो है उससे रिलेटेड जो पोइट्री लिखी है वो है यहाँ पे। अगर 16 क्वेश्चन की बात की जाए, द फॉलोइंग मोटो वाज अडॉप्टेड फॉर वट एवर मैन डू और से और थिंक और ड्रीम अवर, ये शायद गलत वर्ड है, क्या है, अ पेपर सीरीज फॉर इट्स थीम। ये कह रहा है कि इस तरह का थीम जो है किस में, कौन से पेपर में यूज किया है। तो अगर ये बात की जाए गाइस, द गार्जियन है, स्पेक्टेटर है, ये स्पेक्टेटर है ये गाइस,
और टाटलर है ये, टालर नहीं है, टाटलर है ये, और द रैम्बलर है ये गाइस। तो अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो ये है क्या? तो गाइस ये सभी पीरियोडिकल्स हैं। पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स क्या होता है? पीरियोडिकल्स वो चीजें होती हैं, जैसे मैगजीन टाइप लगा लीजिए कि जैसे न्यूज़पेपर आता है, डेली आता है। और जो पहले क्या होता, पीरियोडिकल्स होते थे जो कोई हफ्ते में 3 बार आती थी, कोई 1 वीक में आती थी, कोई जो है कोई 15 दिन में आती थी। तो जो मैगजीन टाइप होती थी उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाटलर की, तो टाटलर आया था 709 के अंदर, और उसके बाद जो स्पेक्टेटर जो है 711 के अंदर आया था। ये जब बंद हो गया तो उसके बाद आया था, और ये वीकली नहीं जो है, मतलब कि वीक में 3 डेज आता था। और ये जो है एडिशन ने और स्टील ने शुरू किया था, दो राइटर जिनको हम बोले एडिशन और जो है स्टील ने, दोनों जो है यूज किए थे। तो ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं ये थर्ड से रिलेटेड है, टाटलर जो है पीरियोडिकल्स था उससे रिलेटेड है गाइस। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए ये कब से कब तक चला, या फिर वीक में कौन कौन से दिन आते थे, तो ये पीरियोडिकल्स हैं गाइस ये। आगे है हु डिफाइंस रोमांटिसिज्म एज ए रेनेस ऑफ वंडर, ये किसने बोला है रेनेस ऑफ वंडर, रोमांटिसिज्म को रेनेस ऑफ वंडर किसने बोला है? तो गाइस मेवात वाले पेपर के अंदर जो है बड़े स्टेटमेंट ज्यादा दे रखे हैं, तो इसका आंसर है वेटी डेन हंट, ये जो है इन्होंने बोली है गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, जब थोरोली आप पढ़ते हो तो बीच में स्टेटमेंट आती है और किसने बोली है इस तरह की, जैसे रोमांटिसिज्म के बारे में बोला है, तो ऊपर ये बोला था 18th सेंचुरी को प्रोज ऑफ रीजन किसने बोला है। तो ये क्या है कि जब हम रोमांटिसिज्म पढ़ते हैं तो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड जो जो टर्म आती है हम उनकी बात करते हैं, जब हम जो है रिफॉर्मेशन करते हैं, रेस्टोरेशन करते हैं, तो रेस्टोरेशन पीरियड जब पढ़ते हैं तो रेस्टोरेशन से रिलेटेड जो जो स्टेटमेंट आती है उसको करते हैं गाइज। ऐसे ही जैसे जैकोबियन से रिलेटेड आता है, तो जैकोबियन जो राइटर थे, मेटाफिजिकल जो राइटर होते हैं, तो उनकी हम वन बाय वन जो जो एज आती है हमारे सामने उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये नहीं है कि ये एक जगह कहीं मिलेंगी, और जैसे जैसे आप डीप में उनको पढ़ते चलते हो तो ये अपने आप साथ साथ कवर होती चलती है गाइज। अगर हम बात करें वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड द पोएट ल्यूरेटशिप आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदेन, ये कह रहा कि जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने जो पोएट ल्यूरेटशिप है वो साउदे की डेथ के बाद जो है कब उसको स्वीकार किया, तो कब वो बने। तो पहले अगर हम बात करें कि ल्यूरेटशिप क्या होती है, तो ल्यूरेटशिप का मीनिंग होता है गाइस, जैसे पोएट ल्यूरेट क्या होता है, जो नेशनल पोएट होते हैं ना, जैसे हम ये कहते हैं राष्ट्रीय कवि जिसको बोला जाता है, तो जो नेशनल पोएट होते हैं उसको बोलते हैं, यानी एक किस्म से ये पोस्ट है, पदवी है, डेजिग्नेशन है। तो पहले रॉबर्ट साउदे थे, फिर इसकी डेथ हो जाती है तो किसी और को नेशनल पोएट बनाया जाता है, तो फिर वर्ड्सवर्थ है। तो यानी इन्होंने कब एक्सेप्ट किया था, तो ये जो है 1843 में जब साउदे की डेथ हो जाती है तब ये बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पोएट ल्यूरेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं गाइस। अब है कॉलरिज एम इन द लिरिकल बैलेड वॉज, जब कॉलरिज ने जो एसटी कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड लिखा है तो उनका एम क्या था। अगर आपने लिरिकल बैलेड पढ़ा है गाइस तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, टू डील विद सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, टू मेक द अनफेमिलियर फेमिलियर। तो इसके अंदर क्या है, एक तो सुपरनेचुरल एलिमेंट को भी यूज किया हुआ है और उन चीजों को दिखाया गया है जिनसे हम अनफेमिलियर होते हैं, यानी सुपरनेचुरल चीजें वो होते हैं जैसे पावर से रिलेटेड है, या जो पावरफुल जो सुपरनेचुरल शक्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड है ये बात। तो हम उनसे नॉर्मली क्या होते हैं, अनफेमिलियर होते हैं, तो उनसे मैच हमें फेमिलियर किया गया है लिरिकल बैलेड्स के अंदर। तो इसका आंसर जो है बोथ ए और बी है गाइज। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज बीन कॉल्ड द मैग्ना कार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, मैग्ना कार्ट किसको बोला, रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्ट किसको बोला है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिरिकल बैलेड, डिफेंस ऑफ पोएट्री, स्प्रिट ऑफ द एज। तो ये जो है लिरिकल बैलेड है, और ये किस किसने लिखी है गाइस, ऊपर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा है एस टी कॉलरिज का नाम आया है, लिरिकल बैलेड वहां लिखी है, और लिरिकल बैलेड जो है वर्ड्सवर्थ ने और जो है एस टी कॉलरिज ने जो है मिलके लिखी है दोनों ने। तो ये जो है मैग्ना कार्ट बोला जाता है लिरिकल बैलेड्स को। सेकेंड रिफॉर्म बिल विच एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी वॉज पास्ड इन, तो कब हुआ था सेकेंड जो रिफॉर्म बिल। तो गाइज ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कब आया था किसी राजा के टाइम पे,
जो उस टाइम पे किंग या क्वीन होगा तो उस टाइम पे तो कौन सेकंड रिफॉर्म बिल क्या था, तो इस तरह की चीजें जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये जो है इसका आंसर है 1867 है गाइस। अगर हम बात करें नेक्स्ट, टेनिसन द प्रिंसेस डील्स विद द थीम ऑफ, अब देखो ये भी यही क्वेश्चन है कि जो टेनिसन की जो पोइम है, ये पोइम है गाइस, प्रिंसेस लिखा हुआ ना, ये पोइम का नाम है, डील्स विद द थीम, उसका थीम क्या है, तो थीम जो है कब पता चलेगा, जब आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इलिटरेट वुमेन है, एरिस्टोक्रेटिक वुमेन, द न्यू वुमेन है, तो इसके अंदर देखो ये तो आपको क्लियर ही है कि वुमेन से रिलेटेड है, तो ये प्रिंसेस के अंदर ना गाइस वुमेन एजुकेशन के बारे में बोला गया है, तो वुमेन एजुकेशन से है, तो इसका क्वेश्चन है द न्यू वुमेन है, यानी उस टाइम पे जो औरतें हैं वो इतने ज्यादा पढ़ती नहीं थी, तो इसमें पहली बार जो है टेनिसन ने प्रिंसेस पोइम के अंदर वुमेन एजुकेशन की बात की है। हु इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस पर्शियन वर्क ऑफ द रुलिया ऑफ ओमर खयाम इज 1859। इसमें जो है मतलब ट्रांसलेशन किसने की है, ये जो बुक है पर्शियन वर्क है ये रुलियात ऑफ ओमर खयाम जो है ये एक पर्शियन बुक है, इसको ट्रांसलेट किसने किया है गाइस, तो ये एची क्लोफ है, सर एडविन अर्नोल्ड है, कवेंट्री पेटमोर और एडवर्ड फिट्जरगेराल्ड, तो इसका आंसर है फिट्जरगेराल्ड गाइस। ये फिट्जरगेराल्ड जो है अमेरिकन राइटर है, तो आपको यानी अमेरिकन राइटर भी पढ़ने पड़ेंगे। द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड इन, तो प्री रेफेलाइट जो है राइटर कौन से थे और वो टाइम पीरियड क्या था, तो अगर हम बात करें इसका आंसर है 1848 है गाइस। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ प्री रेफेलाइट राइटर क्या थे, प्री रेफेलाइट राइटर वो थे जो बाय प्रोफेशन जो है पेंटर थे और वो बाद में फिर अपनी पेंटिंग को के थ्रू ही जो है पोइट्री करने लग जाते हैं, यानी वो क्या थे, पेंटर भी थे और पोइट भी थे, तो उनको बोला जाता है प्री रेफेलाइट। तो आपने रोजेटी का नाम सुना होगा, तो इस तरह के नाम थे। नेम द इंडियन पोइट मिस्टिक फिलोसोफर हु इन्फ्लुएंस्ड डब्ल्यू बी इट्स को जो है, जो कौन से इंडियन पोइट ने इन्फ्लुएंस किया है, तो पहले तो आप देखिए कि डब्ल्यू बी इट्स कौन है। डब्ल्यू बी इट्स एक मॉडर्न राइटर है और ये आयरिश राइटर थे। तो इनको जो है किसने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, स्वामी विवेकानंद ने, पुरोहित स्वामी ने, स्वामी रामतीर्थ ने और परमहंस योगानंद ने, तो इनका जो आंसर है पुरोहित स्वामी से जो इन्फ्लुएंस थे, इन्होंने जो है जो गीता के श्लोक है उनको एक प्रवचन दिया था गीता से रिलेटेड, भगवत गीता से रिलेटेड, तो ये उससे इन्फ्लुएंस थे। अब बात करते हैं डी एच लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवल्स थ्रू एडवेंचर आइडेंटिफाई द नॉवल। डी एच लॉरेंस जो है कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवल थॉट एडवेंचर, तो ये कह रहा है कि जो इसके नॉवल है उनमें एडवेंचर की बात की गई है, वो कौन सा नॉवल है, तो ट्रेसपासर है गाइस। ये सारे ही इन्हीं के हैं, अगर हम बात करें तो डीएच लॉरेंस के ही हैं, ये भी मॉडर्न राइटर हैं गाइस, तो आपको मॉडर्न राइटर भी करने हैं। पॉल मोरल अपीयर इन, तो पॉल मोर जो है कैरेक्टर है वो किसमें है, जेम्स जोस डब्लियर में, डब्ल्यू एच लॉरेंस सन्स एंड लवर्स में, वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डॉलवे में और एडोलस हेक्सलेस आफ्टर मैनी ए समर, तो ये कैरेक्टर जो है किसमें है, तो देखो गाइस ये इसका मतलब आपको ये सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तो ये भी जो है किसमें है, डीएच लॉरेंस सन्स एंड लवर में है ये कैरेक्टर। आगे बात करते हैं द कैरेक्टर लियोपोल्ड एंड मिसिस ब्लूम अपीयर इन, तो ये गाइस किसका कैरेक्टर है, वर्जीनिया वुल्फ के दी है, रिडिका वेस्ट फाउंटेन और फ्लोस, टी एफ पोस, मिस्टर वेस्टर्न्स गुड वाइन, ये इस तरह के कैरेक्टर दिए गए हैं। तो ये किस कौन सी बुक के अंदर है, ये मिसिस ब्लूम और ये लियोपोल्ड जो लिखा हुआ है, तो ये जो गाइस जेम्स जो इसका यूलिसिस है, ये काफी मतलब बुक बड़ी है और इसमें ये कि इमेजिनरी जो है कैरेक्टर है यहाँ पे, तो ये आपको बुक पढ़नी पड़ेगी गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु ऑर्गेनाइज द फोर मस्कर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मोमेंट, देखिए गाइस ऑक्सफोर्ड मोमेंट भी आ गया, तो इसके अंदर जो है काफी वो बताइए कि जो इनमें से चार में से तो चार थे उनमें से कौन सा है, तो काफी सारे राइटर थे, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे डब्ल्यू एच ओडन,
डब्ल्यू एच ओडन ये नाम था जो ऑक्सफोर्ड मोमेंट इस मोमेंट से जुड़े हुए थे, और स्टीफन स्टीफन स्पेंडर स्टीफन स्पेंडर और गाइस जो है सिसले लेविश और लुइस और जो है मैकनिस ये गाइस इस मोमेंट से जुड़े हुए थे। अब हमें देखना है कि इनमें से वो कौन सा नाम है। तो मैंने कहा डब्ल्यू एच ओडन स्टीफन स्पेंडर सिसले लेविस और लुइस मैकनिस ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है मेंबर थे ऑक्सफोर्ड मोमेंट के थे। तो इसमें जो स्टीफन स्पेंडर आया हुआ है तो ये जो है गाइस इसका आंसर है, यानी आपको मोमेंट भी याद पढ़ने पड़ेंगे डिटेल से। अब 30 क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द पोनर्स ऑफ द एपोक्लेपेटिक मोमेंट। अब मोमेंट फिर से आ गया, हु कॉल्ड द न्यू एपोक्लेपिस एंड द व्हाइट हॉर्समैन, इसमें से कौन सा है। जेफ हेनरी, हेनरी टेरिस, निकोलस मोर एंड जी एस ट्रेसर, टॉम स्कॉट एंड वरना विटकिंस। तो इसका गाइज आंसर है जेफ हेनरी एंड हेनरी टेरिस। गाइस ये आपका पेपर हुआ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यानी आपको जो है देखिए गाइस सब कुछ पूछ लिया गया है इसमें। तो जैसे यहाँ से बात करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है ब्रिटिश हिस्ट्री से पूछा गया है, लेकिन डीप के क्वेश्चन है, मतलब डेप्थ में जाके क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। अगर आप अपर लेवल पे पढ़ते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने मुश्किल हो जाएंगे आपको। स्टेटमेंट भी काफी पूछी गई है, किसने बोली है किसी के बारे में, और जितने बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी डेप्थ्स में हैं। कि अब अगर आपने लिरिकल बैलेड नहीं पढ़ा तो आप उसका थीम ही नहीं बता सकते। तो इस तरह से आप जो भी पढ़े बड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा गाइस आपको। और अगर जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और मॉडर्न राइटर भी पूछे गए हैं। अब प्रिंसेस भी यही है कि बुक डिटेल से पढ़ी है तो आप इसका थीम बता सकते हो। और अगर मैं ये कहूँ कि प्रे रेफेलाइट पोइट है या रेफेलाइट राइटर है तो ये भी आपको पता होने चाहिए। इसमें या सिर्फ ये डेट पूछ ली है, हो सकता है आपकी बार जो है उन राइटर की बुक्स वगैरह या उन राइटर के बारे में पूछ ले कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो ये जैसे अगर हम ये कहें जेम्स जोइस, ये सभी मॉडर्न राइटर, डी एच लॉरेंस, जेम्स जोइस, ये सभी मॉडर्न राइटर हैं गाइस। तो इनकी बुक डिटेल में पढ़नी पड़ेगी आपको, जैसे ये पूछा हुआ। अब ये करेक्टर आप कब बताएंगे, जब आपको बुक डिटेल में पता होगी। और ऐसे ही ये है हु ऑर्गेनाइज ऑक्सफोर्ड मोमेंट, यानी दो मोमेंट पूछ लिए कि एक एक पेपर में दो मोमेंट पूछे हुए हैं। तो गाइस अब ये जैसे अगर हम बात करें ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी देखो यह किट ऑफ ओलैबोसोलम, ये कि कब आप सोल्व कर पाएंगे, जब आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। तो ये आपका पेपर का एनालिसिस कर दिया है मैंने गाइस। आप इनको मैंने इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, जो मैंने रेस्ट ऑफ हरियाणा का जो स्क्रीनिंग हुआ था उसका एनालिसिस भी कर रखा गाइस। दोनों पेपर को स्टडी कीजिए और फिर अपनी प्रिपरेशन कीजिए गाइस। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है, बड़ी लक से मिलता है कि जब कोई वैकेंसी आई है और आप खड़े हैं। तो इस मौके को गवाइए मत, आप कैसे भी करिए दोनों पेपर का साथ में एनालिसिस देखिए और उसको अपनी स्ट्रेटजी बनाइए गाइस। और अगर आप खुद पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइस। अपने अपने लेवल पे अपनी स्टडी कीजिए। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा गाइस ऑनलाइन बैच चला हुआ है, ऑनलाइन बैच चला हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, थोरोली मैं जितनी ये चीजें आई हैं, आप जैसे वर्ल्ड लिटरेचर, अगर मैं कहूँ पूरा ब्रिटिश लिटरेचर होगा उसमें आपका, और जो है वर्ल्ड लिटरेचर होगा, वर्ल्ड लिटरेचर में क्या है जैसे ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, अफ्रीकन है, तो सभी होगा। और जो है अमेरिकन लिटरेचर होगा, सभी जो है क्रिटिसिज्म के टॉपिक होंगे उसके अंदर, लिटरेरी टर्म्स वगैरह मैं बताऊंगी उसमें, जितनी भी लिटरेरी टर्म्स आती हैं वो सभी होंगी क्रिटिसिज्म के। जैसे आपने भी देखे हैं कितने दो तीन क्वेश्चन बने हैं इसके अंदर। और उसमें और क्या क्या है कि आपको जो है जो सिलेबस है आपका, जैसे मूवमेंट आए हैं तो वो सभी मूवमेंट भी उसमें होंगे, बिल्कुल डेप्थ में स्टडी होगी गाइस। और उसके अलावा आपको बुक्स है, बुक का सेट मिलेगा, कम से कम आपको जो है 8 से 10 बुक जो है उसके अंदर आपको मिलेंगी, 8 से 10 बुक होंगी, तो इतना सेट आपको मिलेगा गाइस। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उस पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए,
लेकिन जो भी करना है कोचिंग हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, या फिर जो है सेल्फ स्टडी कीजिए, जो भी आपको करना है। लेकिन मैं ये कहूंगी इस मौके को मत गवाइए गाइस, आपको पढ़ना है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, और मिलेगा तो पता नहीं कब मिलेगा गाइस। और क्योंकि आपने पेपर देखा है, दोनों पेपर का अच्छे से रिलैक्स होके एनालिसिस कीजिए, समझिए और आप की नॉलेज कहाँ है, क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो उसको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, उसकी एक स्ट्रेटजी उसको तैयार कीजिए गाइस। लेकिन पढ़िए, आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। और अगर आप एज ए डेमो लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अमेरिकन लिटरेचर काफी बना रखा, आप उस डेमो को देख सकते हैं, उसमें भी मैं बार बार बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चन आए हैं गाइस। तो आप जो है जो आपको ठीक लगे आप वैसी स्ट्रेटजी अपनाइए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।